नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही जारी है। इस बीच दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट की जानकारी आई। कोरोना काल में अब तक इस अस्पताल के कुल 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि एक डॉक्टर की कोरोना से मौत भी हो गई। दिल्ली के सरोज अस्पताल में अब कई ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया गया है। अभी 12 डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जबकि कोरोना के कारण अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर ए के रावत का निधन भी हो गया। कोरोना संकट काल में अस्पताल में इतने डॉक्टर्स का कोविड पॉजिटिव होना चिंता का विषय है। आपको बता दें कि दिल्ली बीते कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है। राजधानी में लगातार नए मामले, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यही कारण है कि पिछले करीब 3 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और 1 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया गया। दिल्ली में बीते दिन भी 13,000 से अधिक नए केस आए, जबकि 273 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इस वक्त 86,000 के करीब एक्टिव केस है। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं की कमी भी बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब केंद्र राज्य में तालमेल बढ़ा। अभी दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। बीते कुछ दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत की परेशानी कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।